हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गजानन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जीपी एकेडमी में। इंडस्ट्री में यूज होने वाले डिफरेंट टर्म और डिफरेंट क्वालिटी टर्म्स के बारे में मैं मेरे चैनल में एक्सप्लेन करूँगा, तो मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल जीपी एकेडमी में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करो। आज का टॉपिक है 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स के बारे में। इसके ऊपर मैंने पहले एक पार्ट बनाया है जिसमें 4 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे उसके आगे के 3 क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, जो कि है हिस्टोग्राम, पैरेटो चार्ट और कंट्रोल चार्ट। हिस्टोग्राम किसी न्यूमेरिकल डेटा को ग्राफ में रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपका हिस्टोग्राम और बार ग्राफ सेम है। हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में कुछ डिफरेंस है, जैसे कि आपका हिस्टोग्राम किसी एक वेरिएबल को ही रिप्रेजेंट करता है और आपका बार ग्राफ दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन आपको रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास जब भी कंटिन्यूस डेटा अवेलेबल होगा तभी हम उसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं, और बार ग्राफ बनाने के लिए हम डिसकंटिन्यूस डेटा भी यूज कर सकते हैं। इसीलिए हिस्टोग्राम बनाते समय दो बार के बीच में गैप नहीं होता है और बार ग्राफ बनाते समय हम दो बार के बीच में गैप देते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिसकंटिन्यूस डेटा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं। फॉलोइंग डेटा शोज द एज ऑफ पीपल लिव इन सोसाइटी। यहाँ पे एक रेंज में दिया है कि 0 से लेकर 10 साल की उम्र तक जो भी कुछ आते हैं वह कितने हैं, 10 से लेकर 20 साल तक, 20 से लेकर 30 साल तक, इस तरह से उसे डिवाइड किया है नंबर ऑफ पीपल के अनुसार। तो अगर इस हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में देखेंगे तो हम आसानी से नहीं कह सकेंगे कि किस उम्र के लोग इस सोसाइटी में रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर हम उसे हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ये आसानी से देख पाएंगे। तो इसका मैंने एक यहाँ पे हिस्टोग्राम आपको बताया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको डायरेक्टली आपको कंक्लूड हो जाएगा कि 30 से लेकर 40 साल तक के जो भी कुछ लोग इस सोसाइटी में रहते हैं उनकी संख्या ज़्यादा है कंपेरेटिवली अदर एज के लोगों के। ठीक है, तो यहाँ आप हिस्टोग्राम से आसानी से कंक्लूड कर सकते हो। और सबसे कम उम्र जो भी है वह है आपके 10 से लेकर 20 साल तक की रेंज में आते हैं, यह आपका हिस्टोग्राम आपको बताता है। नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल टूल है पैरेटो चार्ट, जिसे आप पैरेटो एनालिसिस या पैरेटो डायग्राम भी कहते हो। प्रायोरिटाइज करने के लिए हम पैरेटो चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या इंडस्ट्री में रिजेक्शन एनालिसिस करने के लिए पैरेटो चार्ट का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। पैरेटो चार्ट यह लाइन ग्राफ और बार ग्राफ का कॉम्बिनेशन है। पैरेटो चार्ट हमें 80-20 प्रिंसिपल बताता है, मतलब कि आपके 80% प्रॉब्लम आपके 20% कॉजेस की वजह से होते हैं। पैरेटो चार्ट की मदद से हम डिफेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन्हें काउंट कर सकते हैं और कैटेगराइज कर सकते हैं, और जिसकी मदद से हम यह फोकस कर सकते हैं कि हमारा जो भी कुछ या रिजेक्शन है या जो भी कुछ हमें किस पर फोकस करना चाहिए, यह हमें पैरेटो चार्ट बताता है। एग्जांपल, यहाँ पर पार्ट नेम है ए से लेकर आई तक, ठीक है, और वहाँ पर आपका काउंट या अगर वहाँ रिजेक्शन है तो आप देख सकते हो कि पार्ट ए के लिए आपका रिजेक्शन है 32, पार्ट बी के लिए है 24, इस तरह से ए से लेकर आई तक यहाँ पे रिजेक्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताया है। पैरेटो एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो पार्ट ए के लिए आपकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आती है 32+0 मतलब 32। पार्ट बी के लिए आपकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आती है 32+24 56। पार्ट सी के लिए आपकी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आएगी 56+22 78। इस तरह से यहाँ पे कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की गई है। और आगे है कम्युनिटी परसेंटेज। कम्युनिटी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आप क्या लोगे, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल
क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी है 32 डिवाइडेड बाय 146, तो आपका पार्ट ए के लिए क्यूम्युलेटिव परसेंटेज आता है 21.91%। सिमिलरली पार्ट बी के लिए 56 डिवाइडेड बाय 146, तो आएगा आपका 38.35%। और इस तरह से आपका क्यूम्युलेटिव परसेंटेज भी यहाँ पे आया है। तो इस डेटा के जरिए आप पारेटो एनालिसिस बना सकते हो, जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। और जो भी कुछ डेटा है वह एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और यह कॉम्बिनेशन है लाइन ग्राफ और बार ग्राफ का। और यह पारेटो एनालिसिस से आप यह कंक्लूड कर सकते हो कि आपको किस पार्ट के ऊपर मैक्सिमम फोकस करना है, और जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसे आपका किस तरह से एलिमिनेट करना है, या जो भी कुछ एक्शन आपको लेनी होगी वह आप ले सकते हो। मगर सबसे पहले आपको किस के ऊपर फोकस करना है, यह आपको पारेटो चार्ट या पारेटो एनालिसिस आपको बताता है। नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल टूल है कंट्रोल चार्ट, जिसे आप प्रोसेस बिहेवियर चार्ट भी कह सकते हो। यह एक क्वालिटी कंट्रोल टूल है जो कि आपको प्रोसेस आपकी कंट्रोल में है या नहीं इसके बारे में बताता है। कंट्रोल चार्ट में जो कुछ सेंटर लाइन होती है वह आपकी प्रोसेस की एवरेज होती है, जो अपर कंट्रोल लिमिट UCL होती है, और LCL मतलब लोअर कंट्रोल लिमिट होती है, और जिसके बीच में आपकी प्रोसेस वैरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी प्रोसेस अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में वैरी होती है तो इसका मतलब यह है कि आपकी प्रोसेस स्टेबल है। अगर आपका उसमें से कोई भी डेटा अपर कंट्रोल लिमिट के ऊपर या लोअर कंट्रोल लिमिट के नीचे जाता है तो इसका मतलब यह है कि आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और उसे प्रोसेस को कंट्रोल में लाना चाहिए। यहाँ पे मैंने वैसे कंट्रोल चार्ट के बहुत सारे टाइप है जिसके बारे में हम आगे के वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन मैं आपको करूँगा। तो यहाँ पे मैंने एक एक्स बार चार्ट का आपको कंट्रोल चार्ट दिखाया है, जो कि ग्रीन कलर की लाइन है वह है लोअर कंट्रोल लिमिट, और रेड कलर की लाइन है वह आपकी अपर कंट्रोल लिमिट, और इन दोनों के बीच में जो आपका पिंक कलर की आप जो लाइन देख रहे हो वह है आपकी प्रोसेस, जो कि वैरी होती है इन दोनों के बीच में। और इसके ज़रिए आप यह कंक्लूड कर सकते हो कि आपकी प्रोसेस स्टेबल है। अगर इसमें से अगर कोई भी डेटा अगर अपर कंट्रोल लिमिट के ऊपर या लोअर कंट्रोल लिमिट के नीचे जाता है तो आप यह कंक्लूड मतलब इसका मतलब यह है कि आपकी प्रोसेस स्टेबल नहीं है, उसे आपको स्टेबल में लाना होगा, और यही आपको कंट्रोल चार्ट बताता है। कंट्रोल चार्ट के बारे में और हम अच्छे से जानेंगे इसके आगे की वीडियो में। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल GP Academy में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।